आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कांग्रेस और आजसू नेता छात्रों के अपहरण की साजिश में शामिल। केसरी लाल गुप्ता को बचाने के लिए आजसू ने दबाव बनाया। अपहृत तीनों छात्रों के बरामद होने के बाद जहां सभी के अंदर खुशी का माहौल है, वहीं आजसू पार्टी में खलबली है। इस अपराध कांड में चंदन सोनार के साथ साथ एक बड़ा नाम आजसू पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष केसरी लाल गुप्ता का नाम भी सामने आया है। उसी की गाड़ी से घटना को अंजाम दिया गया था। उस पर आजसू का स्टिकर भी लगा हुआ था। अपराधियों से पूछताछ में केसरी लाल गुप्ता का नाम उजागर होने पर रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन अब उसके हाथ पांव फूल रहे हैं। पुलिस पर केसरी लाल को छोड़ने का भारी दबाव पड़ा है। आजसू पार्टी के भारी दबाव के कारण अन्य अपराधियों के साथ केसरी लाल को जेल नहीं भेजा गया है। पुलिस अब उसे अपना गवाह बनाने की तैयारी में है। कहानी यह गढ़ी गई है कि केसरी लाल गुप्ता से रवि चड्डा गाड़ी मांगकर ले गया था। ये बात किसी के गले नहीं पच रही। पूरे गैंग की महबूबा है बार डांसर आलिया। 45 बार हेलो जानू कहकर फंसाया, फिर हुआ अपहरण। भाजपा नेता मदन सिंह के बेटे शिवम सिंह सहित तीन छात्र हनी ट्रैप के शिकार हुए थे। लड़की कोई और नहीं बल्कि चुटिया निवासी मुकेश सिंह उर्फ खली की प्रेमिका पुंदाग निवासी आलिया थी। वह नागपुरी फिल्म की अभिनेत्री भी बताई जा रही है। आलिया ने ही पैसे के लालच में शिवम को फंसाया। शिवम उम्र में आलिया से आधा है। कुख्यात चंदन सोनार गैंग में महबूबा के नाम से मशहूर आलिया ने 45 बार फोन कर भाजपा नेता के नाबालिग बेटे शिवम से दोस्ती गांठी थी। जब शिवम आलिया से मिलने पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया। 17 दिन की कैद के बाद तीनों छात्रों को झारखंड के चाईबासा से छुड़ाया गया। इसमें आलिया सहित 14 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। प्रेम जाल में फंसाने के लिए 5 लाख की डील। भाजपा नेता मदन सिंह के बेटे के अपहरण की साजिश 19 अपराधियों ने मिलकर रची थी। चंदन सोनार और उसके खास सहयोगी राकेश सिंह ने इसके लिए गैंग की महबूबा आलिया को नाबालिग शिवम को अपने प्रेम जाल में फंसाने की जिम्मेवारी दी ताकि अपहरण में आसानी हो सके। आलिया को इस काम के लिए 5 लाख रुपए मिलने थे। आलिया ने अपने इस काम को बखूबी अंजाम भी दिया। 22 अगस्त को पहली बार आलिया ने शिवम को कॉल किया और सिर्फ हेलो कहा, लेकिन तब शिवम ने रॉन्ग नंबर कह युवती का फोन काट दिया था। इसके बाद युवती लगातार उसे फोन करने लगी। 5 सितंबर को आलिया ने तकरीबन 45 बार शिवम को फोन किया और उसके साथ प्यार की बातें करने लगी। इस दौरान आलिया ने शिवम से मिलने की बात कही और उसे रांची के कटहल मोड़ बुलाया। उसे कहा कि अगर शिवम नहीं आएगा तो वो आत्महत्या कर लेगी। आलिया के कॉल के बाद शिवम ने अभिषेक उर्फ सैंकी और गौरव को भी साथ चलने को कहा। आलिया के ट्रैप में फंसे तीनों छात्र ऑल्टो कार से कटहल मोड़ पहुंच गए। कटहल मोड़ के समीप आलिया मिली और कहा कि अपने दोस्तों को साथ क्यों लाए। अभी आलिया शिवम से बात कर ही रही थी कि आलिया के पीछे कार में बैठे गैंग के सदस्य आ धमके और हथियार के बल पर तीनों छात्रों को रामगढ़ के आजसू नेता केसरी लाल गुप्ता की आजसू पार्टी की स्टिकर लगी कार पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा कि वे लोग पुलिस जवान हैं, तुम लोग गाड़ी में बैठो, पूछताछ करनी है। शिवम और गौरव को आजसू की स्कॉर्पियो में बैठा दिया गया।
सैंकी को दूसरी गाड़ी में। गाड़ी में शिवम और गौरव को इंजेक्शन लगा दिया गया। शिवम को डिक्की में और गौरव को सीट के नीचे सुला दिया गया। वे बेहोश हो गए। होश आने पर तीनों ने अपने आप को एक झोपड़ी नुमा घर में पाया। बताया गया कि उनका अपहरण हो गया है और वे अभी आंध्र प्रदेश में हैं। राकेश ने फिट की थी अपहरण की गोटी। अपहरण की गोटी राकेश सिंह ने फिट की थी। वह चंदन सोनार का सहयोगी भी बताया जा रहा है। राकेश चोटिया इलाके में ही रहा करता था। इसके साथ ही कई बड़े अपराध को भी राकेश ने अंजाम दिया था। सबसे पहले दारा गित्ती हत्याकांड में राकेश का नाम सामने आया था। इसके बाद वर्ष 2011 में गुरु नानक अस्पताल के बाहर उमा शंकर सिंह को 22 गोली मारने के बाद राकेश पूरी तरह से चंदन सोनार के साथ जुड़ गया। गुजरात के व्यापारी हिंगोरा अपहरण कांड में भी राकेश की अहम भूमिका रही थी। राकेश को पता चला कि भाजपा नेता मदन सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति है। शिवम उनका बेटा है। अपहरण कर लेने पर मोटी रकम मिल सकती है। इसके बाद चुटिया इलाके के कई को इसमें शामिल किया गया और आलिया को आगे कर शिवम और उसके दो दोस्तों का अपहरण कर लिया गया। चंदन सोनार राकेश सहित 5 की तलाश जारी। रांची पुलिस छात्रों की सकुशल बरामदगी के लिए दिन रात एक किए हुए थी। इसी बीच शिवम के फोन से ही राकेश ने फिरौती की रकम के लिए फोन किया। किडनैपर्स यही चूक कर गए। पुलिस को फोन का लोकेशन चाईबासा मिला। डीजीपी डीके पांडे ने पहले ही साकेत सिंह को छात्रों को मुक्त कराने के लिए अभियान जोड़ लिया था, लिहाजा वे सक्रिय हो गए। पुलिस ने उस घर को भी ट्रेस कर लिया जहां छात्रों को रखा गया था। इसके बाद भी पुलिस सावधानी बरत रही थी कि अगर कहीं उसे किडनैपर्स पर हमला किया तो इसका खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ सकता है। डीआईजी साकेत सिंह ने खबर फैला दी कि इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी प्रकार धीरे धीरे जंगल के चप्पे चप्पे पर कोबरा जवानों और एसआईटी के अधिकारियों ने कब्जा जमा लिया और किडनैपर्स के मूवमेंट का इंतजार करने लगे। इसी बीच अपहरणकर्ता तीनों छात्रों को लेकर निकलने की तैयारी करने लगे। तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। सबसे पहले तीनों छात्रों को सकुशल बरामद किया गया। इसके बाद गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर कुल 15 अपराधी पकड़े गए, जिनमें आलिया भी शामिल थी। अपहरण के बाद छात्रों को 2 दिन खिलाया मीट भात। रवि चड्डा ने रांची के चुटिया में तैयार किया था अपहरण का खाका। अपहरण का कारोबार चला रहे सभी अपराधियों और मुक्त हुए बच्चों को पुलिस ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया है। इनमें सुखदेव नगर निवासी कुख्यात बिट्टू पांडे उर्फ सुजीत उपाध्याय, रणविजय सिंह चाईबासा के कांग्रेसी नेता अशोक सुंडी, चुटिया निवासी मुकेश कुमार सिंह उर्फ खल्ली, छोटू यादव, धर्मेंद्र कुमार, बरियातू निवासी ब्रजेश कुमार उर्फ छोटू उर्फ मुन्ना, खल्ली की प्रेमिका पुंदाग निवासी आलिया खान समेत 14 आरोपी शामिल हैं। एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भाजपा नेता के छोटे बेटे शिवम सिंह को उठाने के लिए पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही थी। रांची में ही अपहरण का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था। चंदन सोनार ने पूरी प्लानिंग के बाद इसकी डीलिंग अपने राइट हैंड राकेश सिंह उर्फ जॉन को सौंप दी थी। राकेश के इशारे पर ही पूरी टीम तैयार हुई। भाजपा नेता के बेटे को ही उठाने का गेम प्लान चुटिया के रवि चड्डा ने तैयार किया था। इसमें गोविंद, राकेश, गौतम, बिट्टू समेत अन्य की मुख्य भूमिका थी। रवि चड्डा ने फिरौती की रकम मिलने की पूरी संभावना को देखते हुए छोटे बेटे शिवम को ही टारगेट किया था, चूंकि उसकी माँ भी नहीं थी। इससे पिता टूट कर पैसे दे सकते थे। रवि चड्डा राकेश के इशारे पर वाहन की व्यवस्था करने जाने के लिए सुगम रास्ते का चयन, इंजेक्शन की व्यवस्था आलिया को सेट करने समेत सभी व्यवस्था उसी ने की थी। शिवम को प्रेम जाल में फांस कर भेजने के लिए
उसे 45 लाख रुपए मिलने थे। इधर पुलिस अब भी चंदन सोनार, राकेश सिंह, रवि चड्डा समेत अन्य की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिरौती के लिए कॉल कर रहे थे सुजीत, राकेश। सुजीत और राकेश 20 करोड़ की फिरौती के लिए परिजनों को कॉल करते थे। कॉल करने के लिए शिवम एवं अन्य छात्रों के ही फोन का इस्तेमाल करते थे। पुलिस को चकमा देने के लिए उन लोगों ने मोबाइल के लोकेशन को लगातार बदला। इसके बावजूद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के मोबाइल को सर्विलांस पर रख छात्रों को रखे जाने वाली जगह का पता लगाया। तीनों अपहृत छात्रों को अपहरणकर्ता जब चाईबासा के गोइल केरा आराहासा गांव के खंडरनुमा घर से उठाकर एक टाटा मैजिक वाहन से भूता गांव स्थित अशोक सुंड के घर ले जा रहे थे, उसी दौरान पुलिस को सूचना मिलते ही वहां पहुंची और घेर कर पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस ने जब सभी को हाथ ऊपर करने के लिए कहा तो बच्चे पुलिस को अपहरणकर्ता समझकर भयभीत हो गए थे। सभी उन्हें नक्सली समझकर रोने लगे थे। बच्चों से रांची एसएसपी ने जब फोन पर बात की और बताया कि वे पुलिस वाले हैं, उन्हें मुक्त कराने पहुंचे हैं, तब बच्चों ने राहत की सांस ली। एसएसपी के मुताबिक अपहरणकर्ता को ट्रेस करने के लिए पुलिस पिछले एक सप्ताह से योजना बना रखी थी। इलाके के सभी निकासी और प्रवेश पर निगरानी लगाकर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने का इंतजार कर रही थी। जैसे अपहरणकर्ता बच्चों को लेकर निकले, सभी पकड़े गए। छापामारी टीम में ये थे शामिल एसएसपी के अलावा एडीजी अभियान आरसी मिश्र, कोतवाली डीएसपी भोला प्रसाद सिंह, मुख्यालय 2 के डीएसपी विजय कुमार सिंह, सदर थानेदार दयानंद कुमार समेत रांची और चाईबासा जिले के कई डीएसपी, प्रशिक्षु डीएसपी, थानेदार और सिपाही शामिल थे। इस पूरे ऑपरेशन में कोल्हान डीआईजी साकेत कुमार सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसपी साहब का नाम ले किया था अगवा। 5 सितंबर को शिवम सिंह 15 साल, मौसेरा भाई गौरव सिंह 16 साल और अभिषेक उर्फ सैंकी को नगड़ी रिंग रोड के बालालोंग से अपहरण किया गया था। तीनों का अपहरण काफी रेकी के बाद किया गया था। रेकी के बाद स्कॉर्पियो और रिट्स कार ओवरटेक कर रोक लिया गया था। इसके बाद लड़की छेड़ने का आरोप लगाकर तुम लोगों को एसपी साहब बुला रहे हैं कहते हुए स्कॉर्पियो में बैठाया। इसके बाद बेहोशी का इंजेक्शन दिया। खूंटी के रास्ते सभी को चाईबासा गोइल केरा ले गए। रेकी में रामगढ़ के आजसू नेता केसरी लाल गुप्ता की कार का इस्तेमाल हुआ था। अपहरणकर्ताओं की तैयारी केवल शिवम सिंह को उठाने की थी, लेकिन उसके साथ रहने की वजह से गौरव और सैंकी का भी अपहरण कर लिया गया। आज के विशेष में बस इतना ही। झारखंड सहित देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहिए आपका अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।